दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माय ब्लडी वैलेंटाइन मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक माइन में ब्लास्ट होने की वजह से 6 वर्कर्स उसी में कैद हो जाते हैं। तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि माइन में ब्लास्ट हैनिगर के बेटे टॉम की वजह से हुआ था, क्योंकि वो माइन में मीथेन गैस का पाइप बंद करना भूल गया था। फिर जब रेस्क्यू टीम माइन के अंदर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें 5 डेड बॉडीज के साथ एक सर्वाइवर भी मिलता है, जिसका नाम हैरी होता है। और क्योंकि उसकी हालत भी काफी खराब होती है, इसलिए उसे टाउन के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। हालांकि जब वर्कर्स की डेड बॉडी को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उन वर्कर्स को पिकैक्स से मारा गया है, और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हैरी ही है। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने लिए ऑक्सीजन बचा सके। हालांकि वो कोमा में चला जाता है। फिर हमें 1 साल बाद उसी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हैरी एडमिट था। इस दौरान उसे अपने सपने में 1 साल पहले हुआ हादसा पूरी तरह से याद आता है, और वो कोमा से अचानक बाहर आ जाता है। फिर जब उसके रूम में नर्स पहुंचती है तो देखती है कि हैरी वहां से गायब हो चुका है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है, और जब पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों को हैरी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। इस दौरान शेरी ब्रूक को चॉकलेट बॉक्स में हॉस्पिटल की नर्स का दिल मिलता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। जिसके बाद हम टॉम, उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो उसी माइन में पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान अंदर जाने से पहले टॉम काफी डर रहा होता है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा की वजह से अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस दौरान वो ड्रिंक लेने के लिए जब गाड़ी की तरफ वापस जाता है तो सारा अकेले ही अंदर बढ़ने लगती है। और जब वो आगे बढ़ती है तो वहां पर उसे अपना एक दोस्त दिखाई देता है, जो उसे हैरी बनकर डराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय उस लड़के पर असली हैरी अटैक करके उसकी आंख बाहर निकाल देता है। ये देखकर सारा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, तो देखती है कि उनके बहुत सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। तभी एलेक्स उसे अपनी तरफ खींच कर बचा लेता है, जिससे हैरी उसे देख नहीं पाता। उसी समय वहां पर उनका एक और दोस्त आ जाता है, जिसे एलेक्स इशारा करके वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तब तक हैरी उसे देख लेता है और उस पर अटैक करके उसकी जान ले लेता है। हालांकि इस दौरान बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स वहीं पर गिर जाता है, जिस पर हैरी अटैक करने की कोशिश करता है, इसलिए सारा हैरी का ध्यान भटकाने लगती है। तभी उनकी दूसरी दोस्त हैरी पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हैरी उसे बहुत ही भयानक तरीके से मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी वहां पर टॉम भी पहुंच जाता है, जो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, जिससे वो वहां से भाग नहीं पाता और माइन के अंदर ही फंस जाता है। लेकिन इस दौरान एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड और सारा को लेकर वहां से चला जाता है, इसलिए टॉम बचकर भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन हैरी उस तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो टॉम को कोई भी नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर ब्रूक अपने एक साथी के साथ पहुंचकर हैरी पर लगातार गन से अटैक करने लगता है। हालांकि हैरी वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर लोग अब भी हैरी के नाम से डरते हैं, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में 22 लोगों को मार दिया था। हालांकि इस बारे में रिपोर्टर एक्सेल से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अब एक शेरिफ बन चुका था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक्सेल सभी लोगों को समझाता है कि अब हैरी मर चुका है, इसलिए मीडिया वालों की बातों को सुनकर लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि एक्सेल ने सारा से शादी कर ली है, जो कि काफी अजीब बात थी। हालांकि एक्सेल का सारा के मॉल में काम करने वाली मेगन के साथ अफेयर भी चल रहा होता है, जिसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के मरने के बाद अपने घर पहुंचता है और माइन के मैनेजर बेन को बताता है कि वो माइन को बेचने के लिए ही इस टाउन में आए हैं। तो इस चीज पर बेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इससे माइन में काम करने वाले सभी वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि टॉम इस बात पर समझाता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें 3 महीने के लिए काम पर रखा तो जाएगा, लेकिन बेन इन सब बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। पर इसके बावजूद टॉम पर किसी भी बात का कोई असर नहीं था, जिसके बाद टॉम रुकने के लिए एक होटल में पहुंचता है, जहां पर इरेन नाम की एक लड़की के साथ मौजूद आदमी उसे अब्यूज करके वहां से जाने लगता है, जिससे वो गुस्से में उसे शूट करने के लिए बाहर आती है। तभी उसकी आंखों के सामने हैरी उस आदमी पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह से बौखला जाती है और अपने रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन हैरी उसे ढूंढ लेता है और फिर बहुत
बहुत ही बेरहमी से उस पर पिकैक्स से अटैक करके उसे मार देता है। ये सारी चीजें देखकर एक्सेल बहुत ज्यादा हैरान होता है। हालांकि वो लोग किलर के बारे में पता लगाने के लिए होटल में मौजूद लोगों का नाम एंट्री डायरी में चेक करते हैं, तो एक्सेल को पता चलता है कि वहां पर टॉम भी आया था। दूसरी तरफ हमें सारा के स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉम उससे मिलने के लिए पहुँचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सारा की शादी एक्सेल से हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है, क्योंकि एक वक्त पर सारा को लगा था कि टॉम मर चुका है। हालांकि ये जानकर टॉम को काफी दुख होता है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर एक्सेल जब उस आदमी के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसके साथ मौजूद दूसरा ऑफिसर उसे कहता है कि हम ज्यादा दिनों तक लोगों से बात नहीं छुपा सकते कि हैरी वापस आ गया है, लेकिन एक्सेल को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो कहता है कि हैरी 10 साल पहले ही मर चुका है, ये कोई और है जो हैरी की ही तरह लोगों की जान ले रहा है। तभी एक्सेल के पास चॉकलेट बॉक्स का एक पार्सल पहुंचता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक दिल निकलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि इरेन का ही था। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि टॉम फिर से सारा से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे माइन को बेचने के बारे में बताता है, तो सारा उसे समझाती है कि इस टाउन में रहने वाले सभी लोग उस माइन से जुड़े हुए हैं, अगर तुम इसे बेच दोगे तो टाउन की छोटी से छोटी शॉप को भी इस चीज से नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए ना कि उनसे भागना चाहिए। तभी वो मैनेजर से बात करने के लिए माइन में पहुंचता है तो वहां पर उसे फिर से 10 साल पहले की चीजें याद आने लगती है और तभी अचानक से उस पर हैरी अटैक करके उसे एक केज में बंद कर देता है। फिर वहां पर मौजूद वर्कर पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बस वर्कर की डेड बॉडी मिलती है। साथ ही टॉम उन्हें एक केज के अंदर बंद मिलता है जिस पर सारे वर्कर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारी वजह से ही वापस आया है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है। उसी दौरान हॉस्पिटल में सारा टॉम को जख्मी हालत में देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो बताता है कि मैं यहाँ पर बेन को बताने गया था कि मैं माइन को नहीं बेचना चाहता। तभी वहाँ पर एक्सेल पहुंचकर इस बात का रीजन पूछता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो कि सारा मेरी वाइफ बन गई है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमने ही उस वर्कर को मारा है क्योंकि तुम्हारे अलावा और किसी ने भी हैरी को नहीं देखा, क्योंकि हैरी को 10 साल पहले ही तुम्हारे डैड ने बेन के साथ मिलकर मार दिया था, जिसके बाद उसे माइन से बाहर दूर जंगल में दफना दिया गया था और उस समय इस बात को सभी लोगों से छुपा लिया गया, जिसके बाद एलेक्स रिटायर्ड शेरिफ ब्रूक की हेल्प से उस जगह पर पहुंचता है जहां पर हैरी को दफनाया गया था। तो देखते हैं कि उस कब्र को पहले ही खोद दिया गया है और इस दौरान बेन और शेरिफ दोनों ही कहते हैं कि हमने उसे चेक किया था, वो मर चुका था और मुर्दे कभी भी जिंदा नहीं होते। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे अपने घर के आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से उस पर हैरी अटैक कर देता है और फिर बहुत ही बेरहमी से उसका मुंह पिकैक्स में घुसा कर उसकी जान ले लेता है। फिर जब एक्सेल को बेन की डेड बॉडी मिलती है तो वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये देखकर एक्सेल को लगता है कि उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो अपने साथी से टॉम के साथ साथ रिटायर शेरिफ ब्रूक को भी ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद हम सारा और मेगन को देखते हैं जो स्टोर बंद करके जाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी उन्हें वहां पर हैरी की झलक दिखाई देती है जो उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बचकर भागते हुए वो दोनों एक रूम में छुप जाती हैं। हालांकि हैरी रूम में आने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और उसी समय जब मैगन खिड़की से बाहर निकल रही होती है तो हैरी दरवाजे से हटकर खिड़की के पास पहुंच जाता है और मैगन को अपनी तरफ खींचकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो सारा पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा इमरजेंसी अलार्म बजाकर स्टोर से भागने लगती है। उसी दौरान वहां पर एलेक्स भी पहुंच जाता है जो मेगन की डेड बॉडी की कंडीशन देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि दीवार पर लिखा हुआ था कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। इस दौरान एक्सेल को लगता है कि 10 साल पहले की तरह इस बार भी हो रहे कत्ल में किसी तरह का कनेक्शन है, लेकिन सारा कहती है कि मेगन तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी ही नहीं, वो किलर तो सिर्फ मेगन के जरिए तुम तक पहुंचना चाहता था। जिस बात से एक्सेल काफी हैरान होता है क्योंकि वो समझ गया था कि सारा को उसके और मैगन के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था। फिर हमें सारा के घर का सीन दिखाया जाता है जहां हैरी पहुंचकर सारा के बेटे की बेबी सिटर पर हमला कर देता है। हालांकि उनके घर के बाहर ऑफिसर मौजूद होती है, जिसके पास ब्रूक पहुंचता है जो उसे बताता है कि किलर घर के अंदर ही है, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाती है तो उसे वहां पर वॉशिंग मशीन के अंदर वो बेबी सिटर बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, इसलिए वो ब्रूक को आवाज लगाती है, लेकिन ब्रूक पर उसी समय बाहर मौजूद हैरी अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से
मार देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है जिसके पास टॉम कॉल करके कहता है कि अगर तुम उस पर भरोसा करती हो तो मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पर सारा जिद करती है कि वो अपने बेटे के पास ही जाना चाहती है, तो टॉम उससे वादा करता है कि वो उसे घर जरूर छोड़ देगा लेकिन रास्ते में वो उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जो सारा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर रास्ते में टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक्सल के डैड का घर कहाँ पर है। इस चीज के लिए सारा साफ इनकार कर देती है, जिस बात पर टॉम उसे बताता है कि एक्सल को जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है बल्कि वही किलर है। तभी सारा के पास एक्सल का कॉल आता है जो उसे कहता है कि टॉम तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी गाड़ी से निकल जाओ। इसी वजह से सारा टॉम के आगे बहाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कोई भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं है लेकिन तुम्हें मेरी बातों का विश्वास करना होगा क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहता। लेकिन सारा जबरदस्ती गाड़ी रोकने की कोशिश करती है इसलिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो पैदल ही वहाँ से निकल पड़ती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती है कि मैं वहाँ से भाग आई हूँ। तो एलेक्स उसे पास में ही मौजूद अपने डैड के घर जाने के लिए कहता है। फिर जब सारा वहाँ पहुँचती है तो उसे चॉकलेट बॉक्स में अपनी और टॉम की फोटो मिलती है। फिर जब वो अलमीरा चेक करती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे चॉकलेट बॉक्स दिखाई देती है, जिससे उसे कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन होने लगता है कि टॉम सही कह रहा था, एलेक्स ही कातिल है। तभी वहाँ पर हैरी पहुँच कर उस पर अटैक कर देता है। हालांकि सारा किसी तरह से खिड़की तोड़ कर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए माइन तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर भी हैरी आ जाता है जिससे डर कर सारा छुप जाती है। तभी वो अपनी तरफ बढ़ रहे एक्सल पर अटैक करती है, जिस बात से वो काफी हैरान होता है। तो वो बताती है कि मुझे उस अलमीरा में बहुत सारे चॉकलेट बॉक्स मिले हैं इसलिए मैं समझ गई हूँ कि तुम ही कातिल हो। लेकिन एक्सल इस बात के लिए इनकार करते हुए सारा को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ टॉम ने ही किया है। तभी वहाँ पर टॉम भी पहुँच जाता है। फिर वो दोनों ही सारा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक्सल सारा को बताता है कि टॉम पिछले 7 सालों से एक मेंटल हॉस्पिटल में था और उसकी दिमागी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम हम दोनों को ही शूट कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी एक गुनाहगार जिंदा रहे। ये सुनकर टॉम काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है कि कोई किसी को गोली नहीं मारेगा। सारा तुम क्या भूल गई हो कि मैगन के कार्ड पर जो लिखा हुआ था वही चीज उसके डेड बॉडी के पास भी लिखी हुई थी। ये बात सुनकर सारा काफी हैरान होती है क्योंकि टॉम ने कभी मेगन की डेड बॉडी को देखा ही नहीं था। इस बात से वो समझ जाती है कि कातिल एलेक्स नहीं बल्कि टॉम है और वहीं हैरी के रूप में लोगों को मार रहा है, जिसके बाद टॉम को फिर से हैरी की झलक दिखाई देती है जो कि किसी और को नहीं दिखाई दे रही थी। फिर टॉम को याद आता है कि उसने ही जमीन से हैरी का मास्क और ड्रेस को बाहर निकाला था, साथ ही उसी ने सब लोगों की जान भी ली है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब माइन के वर्कर पर अटैक हुआ था वो भी टॉम ने ही किया था, जिसे मारने के बाद वो केज में खुद ब खुद कैद हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम 10 साल पहले हुए हादसे की वजह से डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया, जिससे उसे अपने आसपास हैरी दिखाई देने लगा। फिर जब वो वापस टाउन में आया तो पूरी तरह से हैरी में बदल गया और एक एक करके लोगों को मारने लगा। ये सारी चीजें जानने के बाद एक्सल गुस्से में टॉम पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे उन लोगों में झड़प होने लगती है और इस चीज में एक्सल घायल हो जाता है। इसलिए वहां पर मौजूद सारा टॉम को गन से शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो बचकर वहां से भाग जाता है, जिससे सारा एक्सल को लेकर वहां से निकलने लगती है लेकिन टॉम पिक एक्स लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए सारा उसे रोकने के लिए वहां पर मौजूद मीथेन गैस के पाइप पर गन से शूट कर देती है और एक्सल के साथ वहीं पर छुप जाती है। फिर जब रेस्क्यू टीम माइन के अंदर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि टॉम अभी तक जिंदा है, जो रेस्क्यू टीम के एक मेंबर पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसके कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ ही मूवी यहां खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।